भारत के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी इस समय 630 बिलियन डॉलर से ऊपर है। हमारा निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है और पिछले रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 2021 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत का गुड्स निर्यात लगभग 300 बिलियन डॉलर यानी 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जो कि 2020 की इसी अवधि की तुलना में डेढ़ गुना ज्यादा है। मेरी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मौजूद संभावनाओं को साकार करने और युवाओं को नए अवसर देने के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश से 14 महत्वपूर्ण पीएलआई स्कीम्स शुरू की हैं। ये पीएलआई स्कीम्स न केवल भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगी, बल्कि रोजगार के 60 लाख से अधिक अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। देश में मोबाइल उत्पादन की सफलता मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण है। आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है। इससे भारत के लाखों युवाओं को रोजगार भी मिला है। हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी हार्डवेयर के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बने, इसके लिए सरकार ने सिलिकॉन और कंपाउंड सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले FAB, चिप डिज़ाइन और इनसे जुड़े वेंचर्स के लिए हाल ही में 76,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी घोषित किया है। मेरी सरकार नए क्षेत्रों के साथ साथ उन पारंपरिक क्षेत्रों में भी देश की स्थिति को पुनः मजबूत बना रही है जिनमें हमारे पास सैकड़ों वर्षों का अनुभव है। इसी दिशा में मेरी सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के विकास के लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अप्रैल पार्क बनाए जा रहे हैं। इससे देश में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन तैयार होगी। ये मेगा टेक्सटाइल पार्क्स भारतीय तथा विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करेंगे और रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेंगे। माननीय सदस्यगण, भारत की समृद्धि में बड़े उद्योगों के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे MSMEs हमारी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत को गति प्रदान करते रहे हैं। कोरोना काल में MSMEs को संकट से बचाने और जरूरी क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेट्रल फ्री लोन्स की व्यवस्था की। हाल के अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस योजना की सहायता से 13.5 लाख MSME यूनिट्स को जीवन दान दिया गया और 1.5 करोड़ रोजगार भी सुरक्षित किए गए। जून 2021 में सरकार 3 लाख करोड़ रुपए की इस गारंटी को बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर चुकी है। MSME सेक्टर को विस्तार प्रदान करने तथा इस सेक्टर के लिए अवसर बढ़ाने हेतु कई नीतिगत फैसले भी लिए गए हैं। MSMEs की नई परिभाषा से छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। सरकार ने थोक और खुदरा व्यापारियों व स्ट्रीट वेंडर्स को उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर करने की अनुमति भी दी है ताकि उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लाभ मिल सके। मैं खादी की सफलता का भी विशेष उल्लेख करूंगा। आज़ादी की लड़ाई में बापू के नेतृत्व में देश की चेतना का प्रतीक रही खादी एक बार फिर छोटे उद्यमियों का संबल बन रही है। सरकार के प्रयासों से 2014 की तुलना में देश में खादी की बिक्री 3 गुना बढ़ी है। माननीय सदस्यगण, किसी भी देश के विकास का आधार वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मेरी सरकार की दृष्टि में इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक असमानता को पाटने वाला सेतु भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले निवेश से न केवल लाखों नए रोजगार पैदा होते हैं बल्कि इसका एक गुणात्मक प्रभाव भी होता है। इससे व्यापार करना सुगम होता है, परिवहन की गति बढ़ती है
और हर सेक्टर में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। मेरी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में एक साथ जोड़ा है। यह प्लान भारत में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के एक नए युग का प्रारंभ करने जा रहा है। भविष्य के भारत में रेलवेज, हाईवेज और एयरवेज अलग अलग और अलग थलग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे, बल्कि एक देश के एकजुट संसाधन के तौर पर काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से देश की उन संभावनाओं को उड़ान मिल रही है जो दशकों से उपेक्षित पड़ी थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उपलब्धियां गर्व करने योग्य हैं। वर्ष 2020-21 में ग्रामीण इलाकों में 100 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक की रफ्तार से 36,500 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं और हजारों रिहायशी क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। आज देश के नेशनल हाईवेज भी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरे देश को एक साथ जोड़ रहे हैं। मार्च 2014 में हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 90,000 किलोमीटर थी, जबकि आज उनकी लंबाई बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए की लागत से 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के राजमार्गों पर काम किया जा रहा है। इनमें 23 ग्रीन एक्सप्रेसवेज और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर्स का विकास भी शामिल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी पूरा होने के करीब है, जो कि भारत का सबसे लंबा और सबसे तेज एक्सप्रेसवे होगा। मेरी सरकार को पंढरपुर तीर्थ को जोड़ने वाले संत ज्ञानेश्वर मार्ग और संत तुकाराम पालकी मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू करने का सौभाग्य भी मिला है। देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से आज जहां एक ओर विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इससे देश की सुरक्षा को भी नई ताकत मिल रही है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने लद्दाख में उमलिंग ला दर्रा पर 19,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क का निर्माण किया है। लद्दाख के देमचोक, उत्तराखंड के जोलिंगकोंग और अरुणाचल प्रदेश के हुरी जैसे सर्वाधिक दूरस्थ गांवों को भी आधुनिक सड़कों से जोड़ा गया है। मेरी सरकार भारतीय रेलवे का भी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। नई वंदे भारत ट्रेनें तथा नए विस्टाडोम कोच भारतीय रेल की आभा में वृद्धि कर रहे हैं। बीते 7 वर्षों में 24,000 किलोमीटर रेलवे रूट का विद्युतीकरण हुआ है। नई रेलवे लाइंस बिछाने और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से जारी है। गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन और मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आज आधुनिक भारत की नई तस्वीर के रूप में सामने आए। कश्मीर में चिनाब नदी पर निर्मित हो रहा रेलवे आर्च ब्रिज आकर्षण का केंद्र बन रहा है। मेरी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ाने में भी असाधारण काम किया है। देश में 11 नई मेट्रो लाइंस पर सेवाएं शुरू की गई हैं, जिनका लाभ 8 राज्यों में लाखों लोगों को हर दिन मिल रहा है। भारत आज